हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मटेरिया मेडिका विथ शॉर्ट टेक्निक्स। तो उसमें जो सबसे पहली वीडियो है वो हमारी स्टॉक्स के ऊपर है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और डेली है, जो कि बहुत ही ज़्यादातर यूज़ में आती है ज़्यादातर केसेस में, जैसे कि बैक पेन है, रोमाटिज्म है, उसमें ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो उसकी हम सबसे पहले शॉर्ट टेक्निक के विषय देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें रश टॉक्स मतलब कि RT, तो उसके ऊपर से हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 6 RT। अब इसका 6 RT का मतलब मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। तो सबसे पहले फर्स्ट R जो है, ये आप देख रहे होंगे, फर्स्ट जो R है उसमें रोमेटिक डायथीसिस हमको याद रखना है। उसके ऊपर से क्या आता है कि जो रस्टॉक्स रेमेडी है वो बेटर अडेप्टेड टू पेशेंट विथ रोमेटिक डायथीसिस, यानी कि जो रोमेटिक डायथीसिस के पेशेंट है उसमें ये सबसे अच्छी और सूटेड रेमेडी है। उसके बाद हम दूसरा R देखेंगे, तो उसमें हमें कॉजेशन मिलेगा जो कि है रिवर बाथिंग, यानी कि जो रस्टॉक्स है उसको ज़्यादातर कंप्लेंट जो होती है, वो एलिमेंट फॉर्म जो है वो ज़्यादातर वेट कंडीशंस की वजह से, जैसे कि डैम्प ग्राउंड, बाथिंग इन रिवर, वर्किंग इन डैम्प प्लेसेस, जो भी वो गीला है उसकी वजह से उसको कॉजेशंस है। तो ये हो गया हमारा दूसरा R, कॉजेशन रिवर बाथिंग। अब हम तीसरा कॉज देखेंगे, तीसरा R देखेंगे, तो वो है लोकेशन के लिए। तो वैसे तो रोमेटिज्म है जो रस्टॉक्स में वो एनी जॉइंट में हो सकता है, लेकिन स्पेशली जो जॉइंट अफेक्टेड होता है वो राइट साइड है। तो लोकेशन के लिए हमें क्या याद रखना है, राइट साइड। अब हम देखेंगे चौथा R जो कि है कॉन्कोमिटेंट, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रस्टॉक्स का जो पेशेंट है उसमें हमें ग्रेट रेस्टलेसनेस देखने को मिलेंगी और उसके साथ साथ एनजाइटी भी हमको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया कॉन्कोमिटेंट का R, ग्रेट रेस्टलेसनेस। उसके बाद अगर हम फिफ्थ R देखेंगे तो वो उसमें हमें मोडालिटी देखने को मिलेगी, वो अग्रावेशन मोडालिटी है। तो अग्रावेशन हमने पहले ही देखा था अभी कॉज में रिवर बाथिंग, तो उसी तरह से अग्रावेशन भी वही है कि वेट रेनी वेदर में उसको अग्रावेशन होता है। और उसके साथ दूसरा एक मिड नाइट है, उसमें भी उसको अग्रावेशन होगा। और जो रिलीफ है उसको किससे रिलीफ होगा, जो 6 R है हमारा वो रिलीफ है, यानी कि अमिलरेशन। तो उसके ऊपर से हम R याद रख सकते हैं रिलीफ, तो उसको रिलीफ है वॉकिंग से और कंटिन्यू मोशन से। जो रस्टॉक्स का पेशेंट है वो कंटिन्यू मोशन करेगा तभी उसको अच्छा लगेगा, जब भी वो एक जगह पे रुक जाएगा, स्टिल हो जाएगा, उसको रेस्ट जब भी आएगा तो उसको अग्रावेशन हो जाएगा कंडीशन। और उसके बाद अगर हम आखिरी जो T है वो देखें, तो T है वो सेंसेशन के लिए। तो जो पेशेंट है उसको जो रोमेटिज्म है उसमें कैसी सेंसेशन होगी, तो उसको टर्न सेंसेशन, यानी कि सबसे पहले तो पेन एज इफ स्प्रेन होगा, कि स्प्रेन है ऐसा उसको पेन होगा। और उसके बाद जो टेंडन है वो अटैचमेंट से टर्न हो गया है, मतलब कि अटैचमेंट से वो अलग हो गया है। और जो बोन है वो स्क्रैप्ड विद नाइफ, मतलब चाकू से उसको स्क्रैप किया जा रहा है, ऐसा सेंसेशन आएगा। तो इसी वजह से उस सेंसेशन को हम क्या नाम देंगे, टोन सेंसेशन। तो ये हो गया T। तो ये इस तरह से आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी वे में आप रस्टॉक्स को याद रख सकते हैं रोमाटिज्म के लिए। तो ये था हमारा 6 R।